हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं DSSB स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन रिव्यू, जो 10 अक्टूबर को पेपर हुए थे और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन दिया है। ये सारे क्वेश्चन मुझे दिए हैं मोहित ढनकारा ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्या क्या बात हुई थी क्वेश्चन में आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ICCF शूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच कंट्री। ICCF शूटिंग वर्ल्ड कप जो है किस कंट्री में हुआ था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। नाटी डांस जो है किस स्टेट का है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नाटी डांस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC ODI रैंकिंग में विच प्लेयर इज टॉप इन द ऑलराउंडर कैटेगरी। ICC ODI रैंकिंग में कौन सा प्लेयर है जो टॉप कर रहा है ऑलराउंडर कैटेगरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा जेसन होल्डर। जेसन होल्डर अभी टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू अलगाई, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से आया हुआ था जिसमें पूछा गया था अलगाई से क्वेश्चन एक आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था अलाई दरवाज़ा के बारे में। अलाई दरवाज़ा इज मेड बाय हुम, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूछा था शतरंज के बारे में। शतरंज इज रिटन बाय हुम, शतरंज किसने लिखा है, इसका आपका आंसर पता होगा आपको, बहुत फेमस बुक है ये और इसका हो जाएगा सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय ने शतरंज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू गोएट्री इज कॉस्ड बाय विच, तो पूछा था कि गोएट्री जो है गले में जो होती है हमारे घींगा, वो किसकी कमी से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स से, इसमें पूछा था GNP के बारे में, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन लद्दाख विच मंथ इज सेलिब्रेट एग्रीकल्चर फेस्टिवल, लद्दाख में किस महीने में एग्रीकल्चर फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था टेन्योर ऑफ लोकसभा, टेन्योर ऑफ लोकसभा पूछ लिया था, तो आपको पता होगा 5 साल होता है। एक आया था ये नथुपुरम नोट्टम के बारे में पूछ लिया था कि किस स्टेट में मनाया जाता है, और इसका आंसर ढूंढा मैं मिल नहीं पाया मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कॉमेंट में दे दूँगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट हैंड थ्रू विच एमेंडमेंट, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान ने किस एमेंडमेंट के द्वारा दोनों के बीच में सहमति हुई थी, मतलब ज्वाइंट हैंड हुआ था, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने हमेशा सबसे पहले लेटेस्ट जो सारे क्वेश्चंस कलेक्शन करके लेके आता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि हम लोग सबसे आगे रहते हैं हर किसी चैनल से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में सारे एग्जामिनेशन रिव्यू और DSSB से सारे एग्जामिनेशन से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहेगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आया था वेयर इज़ अन्नामुदाई हिल, अन्नामुदाई हिल कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ATM वाज स्टार्टेड बाई विच बैंक फर्स्टली, तो पहली बार ATM किसने स्टार्ट किया था बैंक ने, तो इसका आंसर हो जाएगा HSBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिहान डैम से आया हुआ था, रिहान डैम से पूछा था कि किस स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा UP। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि डेजर्ट प्लांट के बारे में पूछा था कि डेजर्ट प्लांट्स फॉल इनटू विच कैटेगरी, आपको पता होगा बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि डेजर्ट प्लांट जो है किस प्लांट के अंदर में आता है, किस प्लांट कैटेगरी के अंदर में आता है, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था, उड़िया लैंग्वेज वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच बाई विच एमेंडमेंट, किस एमेंडमेंट में उड़िया लैंग्वेज को इंक्लूड किया था, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था। ये तो हो गया, हम बात कर लिए GK के बारे में, थोड़ा हम रीजनिंग के बारे में बात कर लें। रीजनिंग के बारे में बात हुई मुझसे कुछ बच्चों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि रीजनिंग का जो लेवल था तो मतलब ईजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, ईजी टू मॉडरेट कहेंगे। पेपर जो था मतलब क्वेश्चन बहुत सारे इसमें ईजी भी थे, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे इसका आंसर नहीं बन रहा था, बच्चों ने ये कहा ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, और सेम टू सेम वही पैटर्न है जो पहले क्वेश्चन आए हुए थे। अभी हाल में जितने पेपर हुए हैं Grade 4 के, चाहे आप LDC के, चाहे इसके पहले जितने पेपर हुए मेडिकल क्लर्क के, सब के पेपर के ही GS क्वेश्चन उठा उठा के फिर से चिपकाया है, कुछ नया नहीं दिया है, फिर वही क्वेश्चन दिया है। अगर आपका पेपर आने वाले समय में है DSSB का कोई भी पेपर, तो आप प्रीवियस मंथ के पेपर बना सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में फिर से वही 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं DI से, जो डायरेक्टली उठा के दे रहे हैं आपको। साथ में थोड़ी सी कैलकुलेशन मैथ्स में थी, लेकिन तब भी क्वेश्चन बच्चे ने कहा कि ईजी था मैथ का, और मैं कहूँगा पिछले जो पेपर हुए थे प्रीवियस मंथ में उससे क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं। अगर पेपर आपका है तो आप, अगर स्टेनो का पेपर है आपका, चाहे आने वाले समय में क्लर्क का पेपर है, जूनियर क्लर्क का पेपर है, या कोई पेपर भी है, तो आप प्रीवियस मंथ के पेपर बना सकते हैं। और साथ में ये भी कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं कहीं पर या कहीं भी कुछ करते हैं, तो टाइम का मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि आज बच्चे ने कुछ से कहा कि उनके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे और हिंदी में, और लास्ट में जाकर छूट गया। हिंदी के बारे में बात करें तो पैटर्न वही है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो प्रीवियस मंथ से पूछे हैं,
तो कुछ नया नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैथ्स में किसी बच्चे का टाइम किल हो गया था, कुछ बच्चे ने मुझे बताया कि उसका टाइम नहीं बचा, तो यही बात है, प्रैक्टिस की कमी थी, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको। तो साथ साथ मैं बता दूं कि मैंने प्रीवियस मंथ के सारे पेपर दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, अलग अलग पीडीएफ बना बना के, ग्रेड फोर का 18 सेट का पीडीएफ नीचे दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ साथ एलडीसी का भी मैंने अलग से पीडीएफ बनाकर नीचे दे दिया है, जो 15-20 शिफ्ट का है वो भी मैंने दे दिया है, ग्रेड फोर का हुआ था, एलडीसी का हो गया, ग्रेड टू का जो रिजल्ट आया उसका भी मैंने आपको पीडीएफ बनाकर नीचे दे दिया है, 20 शिफ्ट का पीडीएफ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो अलग से पीडीएफ मैंने दे दिया है। साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क और साथ में मेडिकल क्लर्क का भी मैंने पीडीएफ बनाकर दे दिया है, सब अलग अलग पीडीएफ में बनाकर रखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, सब प्रीवियस मंथ के पेपर के एग्जामिनेशन है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे जो हैं सब बच्चे से मैंने कलेक्शन करके आपके लिए कंबाइंड अलग अलग करके पीडीएफ बनाकर 18 शिफ्ट के 12 शिफ्ट का पीडीएफ बनाकर दिया है। साथ में दिल्ली पुलिस का भी मैंने पीडीएफ बनाकर नीचे दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका पेपर है जिसने फॉर्म भरा है दिल्ली पुलिस क्लर्क के लिए तो वो भी दे सकते हैं। साथ में एसएससी का जो तैयारी करते हैं उनके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, इन सभी का मैंने अलग अलग पीडीएफ बना के, कोई 12 शिफ्ट का, कोई 13 शिफ्ट का, कुछ 15 शिफ्ट का, कोई 35 शिफ्ट का, सबका अलग अलग मैंने पीडीएफ बना बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पेमेंट करना पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत कम चार्ज मैंने रखा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा पे नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मैंने सबका कम चार्ज किया है। तो आप देख सकते हैं जाकर एक बार जरूर कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, जो आपको अच्छा लगेगा ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।